aquí. Đấy, rồi tốt. क्या नाम है आपका? यासीन। कहाँ रहते हो? कुरसट। क्या हुआ आपके भाई के साथ? भाई के साथ ये हुआ कि वो दोनों बालिग थे और शादी कर लिए वो दोनों लोग। फिर उसके बाद में पुलिस वालों ने मिलके जो है गलत उसको फंसाया। वो दरोगा थे कुलदीप गौड़, उन्होंने पैसे मांगे, पैसे थे नहीं मेरे पास, इसीलिए मैटर जो है ये बना दिए उल्टे सीधे, नाबालिग करके गलत मार्कशीट बनवा के लड़का लड़की को जेल भेज दिए। फिर उसके बाद में हम लोग बहुत परेशान हैं, इधर उधर घूम रहे हैं मगर हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, उसके पीछे हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं इधर उधर। उन्नाव में खाकी एक बार फिर से हुई है दागदार। एक सिरफिरे दरोगा ने चंद रुपयों की लालच में एक प्रेमी युगल को कानून के चक्रव्यूह में ऐसा फांसा कि प्रेमिका को फर्जी दस्तावेज लगाकर नाबालिग बता डाला और उसके आरोप में बेकसूर प्रेमी को भेज दिया सलाखों के पीछे। वहीं इस पूरे मामले में चार्जशीट में कागजों की हेराफेरी के आरोप में पुलिस अधीक्षक उन्नाव ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस खाकी के भरोसे प्रदेश में अपराध और भयमुक्त समाज की बात कर रहे हैं, क्या वाकई में इस खाकी की सरपरस्ती में लोग महफूज हैं? उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।